हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज एक अच्छी खासी रैली जरूर आई है। 81 रुपीज के ऊपर शेयर आ चुका है। आप देखिए, 77 रुपीज तक का लो भी इसने बनाया हुआ था इस शेयर ने आज, और 76 के आसपास का उसका प्रीवियस क्लोज था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हाल फिलहाल में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए शेयर में भयंकर गिरावट है और काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 81 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो भैया, पिछले एक महीने में कंटिन्यूअस गिरावट ही देखने को मिली। 21% तक शेयर टूटा है। 106 रुपए से गिरकर ये शेयर नीचे आया है। 76 रुपीज तक का लो बनाया और आज इसने बाउंस बैक किया है। आज बाउंस बैक किया है इसने। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 49% तक गिरा है। 170 रुपए के आसपास का हाई था, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। शेयर तकरीबन तकरीबन 110-115 रुपए तक टूट गया था। बाद में फिर से बाउंस बैक किया, 150 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट ही देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल में IOC के शेयर में अगर हम बात करें तो 57% तक की गिरावट है। नीचे ही आ रहा है ये शेयर। 226 रुपए तक का हाई था और 76 रुपीज तक का लो है, और जस्ट वो लो कल बना था। 76 रुपीज का लो कल बना था। यहाँ पर 10 साल की भी बात करें तो पिछले 10 साल में इंडियन ऑयल के शेयर में सिर्फ 10% का ग्रोथ है। आप देखिए, 48 रुपीज तक का लो है और उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक आया था। शेयर में 200 रुपए तक भी पहुंचा था ये शेयर। 46 की अगर हम 48 की बात करें तो 2013 में इतना बड़ा लो बना था। बाद में शेयर ने ऐसा बाउंस बैक दिखाया कि 2017 आते आते 200 रुपए से ऊपर ये शेयर चला गया। लेकिन 2017 के बाद इतनी भयंकर गिरावट है कि शेयर संभलने का नाम तक नहीं ले रहा। देखिए, 73,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है। NSE में देखेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को जरूर मिल रहा है। अगर हम बात करें तो भैया, पैसा बढ़िया कमा रही है। ठीक है, सरकारी कंपनी है लेकिन पैसा बढ़िया कमा रही है। आप देखिए, अगर हम बात करने जाए नेट सेल्स की बात करें तो पिछले साल 1,65,000 करोड़ के आसपास के नेट सेल्स थे और पिछले क्वार्टर में 1,11,000 करोड़, तो गिरावट आई। लेकिन इस बार तेजी है, 1,23,000 करोड़ तक के नेट सेल्स है। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे नेट सेल्स में गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पर तेजी है। लेकिन नेट प्रॉफिट ने बहुत सबको चौंकाया है यहाँ पर। देखिए, पिछले साल 1,000 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस बार 2,680 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 5.80 का है, जो पहले 2 था फिर 3 रहा, अब तकरीबन 6 के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 7.64% की होल्डिंग FIIs के पास है। 6.47% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 7.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 26.95% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 565 FIIs ने यहाँ पर पैसा लगाया है यहाँ पर। और देखिए, सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर यहाँ पर हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। 51.50% की हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर यहाँ पर देखिए कौन है, ONGC है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनके पास 14.2% की होल्डिंग है। 14.20% की होल्डिंग है ONGC के पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.82% की देखने को मिली है। 42% का डिविडेंड इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। 5 मार्च को किया है, 2020 को किया है। अगर हम बात करने जाए तो 4.25 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। काफी बड़ा डिविडेंड पे किया है यहाँ पर। IOC के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अभी इंडिया एक बहुत बड़े सिचुएशन से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और काफी लोग हैं, काफी बड़े बड़े कंपनी के मालिक ने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री फंड में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। उसमें से अगर कुल मिला के बात करें तो ONGC, IOC और बाकी ऑयल की जो कंपनियां हैं उन्होंने 1,031 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है प्रधानमंत्री फंड में। जिसमें से अगर हम बात करने जाए तो ONGC ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। IOC मतलब जिस शेयर की हम बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने 225 करोड़ रुपए का फंड दिया है प्रधानमंत्री उसमें PM केयर में।
और अगर हम बात करें बीपीसीएल की, तो उन्होंने 125 करोड़ का, 175 करोड़ का फंड दिया है। एचपीसीएल ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे करके जीएआईएल गेल ने 50 करोड़ रुपए का फंड दिया है। यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ऑयल इंडिया ने 38 करोड़ का फंड यहाँ पर दिया हुआ है। और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने फंड यहाँ पर दिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑयल कंपनियों की और खास करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। तो भैया इंडियन ऑयल ने तकरीबन 225 करोड़ का फंड दिया है प्रधानमंत्री पीएम केयर में। यहाँ पर हम बात करें तो मॉर्गन स्टेनली की बात करें, तो भैया उन्होंने कहा है कि ऑयल एंड गैस की जो स्टॉक्स है और उसकी प्राइस, क्रूड ऑयल की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस 18 साल के सबसे ज्यादा लो है। और इसके लिए मॉर्गन स्टर्लिंग ने जो एचपीसीएल और बीपीसीएल का जो है उनको बुलिश रेटिंग में भी डाला गया है। दूसरी एक और सिचुएशन है कि नो फ्यूल क्राइसिस इन इंडिया, इनफ स्टॉक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एलपीजी अवेलेबल टू लास्ट लॉकडाउन, वो आईओसी की तरह से स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए अभी लॉकडाउन की सिचुएशन पूरा का पूरा इंडिया जूझ रहा है और सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बंद हो चुका है। उसको लेकर आईओसी ने कहा है कि भैया भले लॉकडाउन है लेकिन ऑलरेडी पेट्रोल डीजल और एलपीजी का इतना स्टॉक है कि डरने की या फिर घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कोई शॉर्टेज नहीं होगी, किसी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है एलपीजी रिफिल को लेकर या फिर पेट्रोल और डीजल को लेकर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आईओसी के द्वारा दिया गया है। आईओसी की अगर बारे में अगर हम बात करें तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। 6.10 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 12.56 है। काफी अट्रैक्टिव पी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 115 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.71, काफी कम है। यहाँ पर 92.50% का डिविडेंड पे कर रहा है। 13.38 का ईपीएस, 39% के आसपास की इसकी डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 51% लोग यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 45% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी बैलेंस शीट की, तो भैया कर्जा इनके ऊपर जरूर है। 83,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन मैं इसको निग्लेक्ट इसलिए करूंगा क्योंकि कंपनी आप देखिए कितना मुनाफा भी कमा रही है, 6,000 करोड़, 3,500 करोड़, 2,400 करोड़। तो देखिए इतने बड़े नेट प्रॉफिट इनके देखने को मिल रहे हैं, तो जनरली इतना कर्जा उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस वक्त खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगा जी नहीं। रीजन ये है कि अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं, देखिए तो शेयर जो इसका जो प्राइस है वो नीचे ही आ रहा है। आज जो तेजी देखने को मिली है 7% की, वो इससे पहले भी आई है। देखिए 76 रुपीज के ऊपर शेयर था, 81 रुपीज के ऊपर आ गया। इससे पहले मैं देखिए 87 रुपीज के ऊपर शेयर था, 92 रुपीज पे आ गया। 87 का शेयर 92, अगेन 5 रुपये अप रहा है, ये 4.5-5 रुपये, लेकिन उसके बाद नीचे गिरा। फिर 87 पर पहुंचा, फिर अप आया, 90 रुपये तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद नीचे गिरा। अभी भी वही हो रहा है, शायद एक ही अपर सर्किट लगी है, अभी भी एक अपर सर्किट लगी है। जब तक ये दो तीन कंटिन्यूस अपर सर्किट इसमें नहीं लगती, तब तक हाल फिलहाल में कुछ कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बॉटम कहाँ जाके बनेगा इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है तो पैनिक ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक, क्योंकि देखिए आईओसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल उनको मैनेज करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है जो कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी एसेंशियल चीज है हमारी लाइफ की कि इसके बिना हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। पेट्रोल डीजल एलपीजी, इनके इनके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, तो एसेंशियल चीज है और उसी में ये बिजनेस करते हैं। तो देखिए उसको टाइम लगेगा उठने में, लेकिन वापस से उठ जाएगा। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप लॉन्ग टर्म के लिए दाव भी खेल सके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इसने दिया है, नीचे जा रहा है। ये वो शेयर है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना दाव खेल सकते हैं। गिरावट आ गई, खरीद लो ऊपर, अगर आपको पर शेयर 5-10 रुपए का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो बेचकर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए खेलने वाला स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने वाला स्टॉक मुझे नहीं लग रहा है। डेफिनेट डिविडेंड बहुत बढ़िया पे कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिविडेंड नहीं मिल रहा है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। तो मैं यही कहूंगी अगर आप लॉस में है तो बने रहे, ये बाउंस बैक जरूर कर लेगा, लेकिन अभी खरीदारी मत करिए क्योंकि अभी बॉटम कहाँ जाके अटकेगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले भी 2 बार अपर सर्किट लगा चुका है ये शेयर, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बार अपर सर्किट लगा चुका है ऐसी वाली, लेकिन उसके बाद नीचे ही गिरा है। तो अभी भी अच्छा वाला ट्रेंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी न करें, होल्ड करें, देखें, वॉच करें, सही वक्त आने पर ही निवेश करें, अभी जल्दबाजी ना करें।
लॉकडाउन की सिचुएशन को भी हटने दे, उसके बाद हम पहले सोचेंगे यहाँ पर, या फिर कोई अच्छी अनाउंसमेंट आ जाए देश में जो कोरोना के जो केसेस हैं पहले वो आप देखिए कि हर रोज वो बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहे, तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, कहाँ जाके बॉटम बनेगा कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, IOC के बारे में आपका क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।